So hello guys, welcome to the channel The Invincible Biker. So finally आज हमने अपना first blog बनाने हम निकल पड़े हैं. हमारे साथ है अभी अभिषेक भाई अपनी पल्सर 150 पे और मेरे पिलिन हैं विनय शर्मा. स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं. मेरा नाम अमन शर्मा है और हम अभी निकल पड़े हैं एक सफ़र पे धारली महादेव की ओर, जिसको हम रुके थे यहाँ पे सतलुज रिवर के साइड में. थोड़ा आपको एक व्यू हमने शूट किया है, आपने वो शायद देख ही लिया होगा. तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं. ये जो अभी हम जा रहे हैं सलापड़ पुल की ओर, जो सलापड़ पुल है वो बेसिकली बिलासपुर और मंडी को कनेक्ट करता है. वो एक कनेक्टिंग ब्रिज है मंडी और बिलासपुर का. वहाँ से हम निकलेंगे अपने आगे के सफ़र गुप्त अमरनाथ धारली महादेव की ओर. तब तक आप करें सफ़र का एंजॉय. देख सकते हैं अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ से डाइवर्जन एक होता है, एक चला जाता है एनटीपीसी कोल डैम की ओर और एक चला जाता है कुल्लू मनाली रोड. तो हमने जो अभी जाना है वो हमने जाना है कुल्लू मनाली वाले रोड पे. और ये हम आ गए सलापड़ पुल. ये है कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन मंडी एंड बिलासपुर. तो ये आप देख सकते हैं नज़ारे यहाँ पे. कुछ चीज़ तो आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे. हम एंटर हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में. तो मंडी से हम सलापड़ एक बीबीएमबी कॉलोनी आती है, हमें उस ओर जाना है. हमें मनाली रूट पे नहीं जाना है. पूरा देखें ताकि आप बिल्कुल भी ये रास्ता ना भूलें. और कभी अगर हिमाचल आएँ तो इस जगह पर ज़रूर जाएँ. बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये सफ़र. हमारे अभिषेक भाई भी पूरा रौंद काट रहे हैं. पूरे धुर्राड़े काटते हुए अभिषेक भाई, ये बात. और ये देखिए पूरा लीन करेंगे अभी हमारे अभिषेक भाई. ए बात चकदे शाबाश. अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आप पहुँच चुके हो तो आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होना. और हम यही चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस देख के, हमारा ये कंटेंट देख के मज़ा आए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप यहाँ से हम जाएंगे अपना सलापड़ कॉलोनी की ओर. तो जो डाइवर्जन आपने देखा, जो सीधा रास्ता जो गया वो मनाली के लिए गया और ये बीबीएमबी कॉलोनी के लिए है. भारत सरकार उपक्रम, ये बस बीबीएमबी की है, यहाँ से सर्विसेज ले जाती है. मैं अपने व्यूअर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बाइक राइड करते हैं फुल सेफ्टी के साथ करें. अभी हमने सिर्फ हेलमेट वियर किया है क्योंकि हम अभी अपने लोकल रूट पे हैं. जब हम कभी एक लॉन्ग रूट पे जाएंगे तब हम प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ राइड करेंगे. अभी शूज़ अपने प्रॉपर पहने, कभी स्लीपर्स के साथ अपने बाइक को ना चलाएं, थोड़ा रिस्की रहता है. और कभी भी बाइक चलाएं तो धीरे चलाएं, क्योंकि रेस का मज़ा जो है ना वो सिर्फ प्लेन इलाकों में आता है. यहाँ हिमाचल में अगर आपको बाइक का मज़ा लेना है ना गाइस, तो 60-70-80 स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हैं. सिर्फ उसी स्पीड पे आपको मज़ा आएगा, बाकी तो आप ब्रेकें ही लगाते रह जाओगे. तो उस चीज़ का मज़ा नहीं आता जब आप अननेसेसरी ब्रेक्स लगाते हो. तो अभी हम पहुंच चुके हैं बीबीएमबी कॉलोनी में. सो ये हमारे गुप्त अमरनाथ रोड के लिए जो रास्ता जो जाता है, ये आखिरी रास्ता मार्केट होने वाली है यहाँ पे. ये अंदर आप देख सकते हैं अंदर की सर तरफ ये गेट है यहाँ पे. और हम निकल चुके हैं ऊपर वाले रास्ते से. ये रास्ता थोड़ा कच्चा होने वाला है गाइस. तो नीचे जो है वो बीबीएमबी कॉलोनी है. यहाँ से मेरे काफ़ी दोस्त भी यहाँ रहते हैं लेकिन अब हम उनसे
फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि पहले उनको फ़ोन करो, फिर वो बताएंगे वो यहाँ है या नहीं है। अगर हुए तो उनका हमें वेट करना पड़ेगा और उसकी वजह से हम हो जाएंगे और लेट। तो अभी यहाँ से हमें शायद ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ से ही जाना है। जी हाँ, मैं खुद रास्ता भूल गया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे जो पहाड़ों का जो नज़ारा आ रहा है, आने वाले एक दो व्लॉग के बाद शायद हम उस पहाड़ी पे ऊपर जाएंगे, उस पे या फिर मुझे नहीं मालूम किस पे जाएंगे, उसको गहरू पीक कहते हैं। तो आने वाला ब्लॉग हमारा जल्दी ही गहरू पीक का होने वाला है। वहाँ पे भी बहुत ख़तरनाक रास्ता है गाइस। और ये आप देख सकते हैं, ये पाइपलाइंस हैं, यहाँ से नीचे को पानी सप्लाई होता है, ये आता है हमारा ब्यास नदी से। ये ब्यास का पानी है जो नीचे सतलुज में जाके मिल जाएगा। और ये आप नज़ारा ले सकते हैं यहाँ से। और अभी हमें यहाँ से जाना है नीचे की ओर, ये ऊपर कंदार की जगह चली गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस कि ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि यहाँ पे इतने डाइवर्जन्स हैं। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं है। अगर आप मान लीजिए कभी इस ओर आते भी हैं जीपीएस लगा के, मेरे हिमाचल के व्यूवर्स को तो चलो मालूम होगा जो मेरी लोकेलिटी के व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन अदर देन लोकेलिटी अगर मैं कहूँ तो जीपीएस के भरोसे कभी ना आए ऐसी जगह पे। अगर आप चाहें तो किसी लोकल से पूछते पूछते आ सकते हैं। तो मैंने पहले भी काफ़ी राइड्स करी हैं बाइक पे, लेकिन तब मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था। मेरी आज तक की सबसे लंबी राइड जो इस बाइक पे R15 V3 पे हुई है, वो हुई है भदरवा की, जहाँ जो हमने डिस्टेंस कवर शायद 500 किलोमीटर हमने कुछ 10-11 घंटों में हमने तकरीबन कवर कर लिया था। सुबह 6 बजे चल के हम शाम को 5-5:30 बजे तक भदरवा पहुंच चुके थे। तो वो बहुत ही मज़ेदार एक सफ़र था। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हमें R15 V3 पे इतना लंबा सफ़र नहीं होता। तो गाइस वो मैं कह दूँ आपको कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यूज़ टू किसी चीज़ के हो जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। सो गाइस, होप आपको ये मज़ा आ रहा होगा ये हमारा सफ़र देखने में इन लोकल रास्तों पे चल के। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा कैमरा एंगल आपको जस्टिफाई कर पा रहा होगा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप भी अपने लोकेशंस को एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ कि आप अब कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और आप अपनी लोकेलिटी को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं। हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक ऐड कर दूंगा। तो आप जाके हमें वहाँ पे डीएम कर दें, हम ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे अपने एक नए सफ़र के साथ। जितना मर्जी लेते क्लियर टू नहीं जाने में, ये सूखा है ना सैमसंग का कंप्यूटर। तो हमने आपको एक भी आपने वीडियो देखी होगी, एक क्लिप देखी होगी जिसमें आपने आपको वाटरफॉल दिखाया, वो वाटरफॉल यहाँ से राइट जाके आपको मिलेगा। लेकिन हमें पहले यहाँ से जाना है लेफ़्ट की ओर, क्योंकि जो लेफ़्ट की साइड जो रास्ता है वो चला जाता है धारली, और राइट साइड का जो रास्ता है वो जाता है कोल डैम की ओर, जो है एक शॉर्टकट रास्ता है। तो हम नज़ारा आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से आप स्पीति वैली में आ चुके हैं। आपको यहाँ आके ऐसा फील होगा कि आप स्पीति वैली में आ चुके हैं। और ये चट्टाने, ये नदी हमारे साथ एक बह रही है, नदी तो नहीं कहूँगा इसको, लोकल भाषा में हमारे यहाँ इसे खड्ड कहते हैं। तो नीचे से वो बह रही है पानी, लोग यहाँ पे गर्मियों के समय में नहाने आते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। ये आपको ना एक एडवेंचर अगर चाहिए तो स्पीति जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पीति से फ़िलहाल हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये स्पीति से कम भी नहीं है।
गाइस ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये खड़ी है हमारी बाइक और हमें जाना है अभी वहाँ पे। काफ़ी दूर है वो जगह जहाँ हमें जाना है और वहाँ पे आप रास्ता देख सकते हैं कितना, मतलब एक स्टीप चढ़ाई आती है और फिर हमें वापसी में उसी उतराई में भी आना है गाइस। तो बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग पे। तो हमारे अभिषेक भाई पीछे रह गए थे, मैं उनका इंतज़ार करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ था, तो जस्ट वो आ चुके हैं। तो अभिषेक भाई बहुत ही मीठी चाल से चले गए, तो चलिए हम भी चलते हैं। और बहुत ही खराब जगह थी यहाँ जहाँ मैंने बाइक लगाई थी। कोई सरकारी बंदा PWD रोड वाले कोई भी देख रहा हो ना, तो भाई साहब रोडों को सुधार दो, क्योंकि हम जैसे बाइक वालों का यहाँ नाश हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है, तो कृपया सुधार दो। जय श्री राम गाइस। तो इसी जोश और उत्साह के साथ आपने हमारा ये वीडियो अगर देख रहे हैं, अभी आप यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, तो हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, आगे और बेहतर ब्लॉग्स हम आपके लिए लाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ द इनविंसिबल बाइकर चैनल पे। और यहाँ पे हो गया है रोड का काम शुरू, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा रोड यहाँ पे है, अभी काम चल रहा है। और एक तरफ हरे भरे पहाड़ और दूसरी तरफ ये मोड़, तो सूखा पहाड़ दिखाने के चक्कर में गाइस कहीं हम ना सूख जाएं। हैं वहाँ हमारे बैठे हैं महादेव, तो वो रही गुफा हमारी जो उधर आपको सामने नज़र आ रही होगी। मुझे आगे भी देखना है क्योंकि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला हिसाब है, लेकिन यहाँ पे तो एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खाई, दुर्गा ध्यान हटा तो हो जाएगी रगड़ाई। तो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, आप देख सकते हैं वो नज़ारा, वहीं हमें जाना है। और अभी वहाँ पहुँचने के लिए हमें जो है ये पूरा सफ़र, यहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर का ये सफ़र अभी भी बाकी है, तो हमें वहाँ से होके जाना है। क्या खूब लिखा है किसी ने, 4 व्हील्स मूव द बॉडी 2 व्हील्स मूव द सोल। सोनू भाई जस्ट रॉक एंड रोल। लीजिए गाइस, तो ऊपर हमारे महादेव बैठे हैं, तो हम आ चुके हैं महादेव की नगरी में। ओह ये नज़ारा आप देख सकते हैं, हाँ ऊपर है महादेव, तो हमें वहीं जाना है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो विनय भाई अभी हमारी कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की, ये बोलते हैं आज मैं यहीं से चढ़ूंगा, पौड़ियों से नहीं चढ़ना है, बोलते हैं महादेव के पास सीधे स्वर्ग में ही मिलना है। कोशिश करें विनय भाई, कोशिश जारी रखें अपनी। यहाँ से गुफा है तकरीबन 5 किलोमीटर की। विनय भाई और कुछ कैसा रहा आपका सफर? सफर बहुत ही रोमांचक रहा, एक दो बार गिरे हम। और गिरे कैसे आप ये भी बता दें दर्शकों को। बस ऐसे बैठते बैठते ही गिर गए। वजन ज्यादा था या कम था? वजन तो जैसा ही है आपके सामने ही। और सोनू भाई आपका कैसा रहा सफर यहाँ तक? बढ़िया सर, एंजॉयिंग एंजॉयिंग। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा जी था। अब तो सोनू भाई और विनू भाई ने भी बोल दिया ना सब्सक्राइब करने को, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना ना आप, क्योंकि यहाँ तक पहुँचो ना भाई जी आप, तो मजा आ रहा है आपको। अगर मजा आ रहा है ना तभी आप पक्का देख रहे हो। पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तभी आप देख रहे हो। नहीं तो वहाँ अगली वीडियो बनानी और क्या। तो भाई आप देख सकते हैं वहाँ खड़ी है हमारी बाइक नीचे, और हम आ चुके हैं महादेव जी के पास। और ये है वो गुफा, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, शिवरात्रि की तैयारी हो रही है, यहाँ बहुत रश होता है। तो चलिए दर्शन करवाते हैं आपको महादेव जी के।
तो दोस्तों, अगर हम आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और आप लोग ऐसे ही प्यार हमें बरसाते रहें। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप सभी को जय श्री राम, जय भोलेनाथ।